बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, ईद पर ना मैंने आपके साथ कोई भी व्लॉग शेयर नहीं किया, बल्कि ईद के रमज़ान से काफ़ी पहले से मैंने व्लॉग बना तो रही थी मेरे, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि कुछ भी मैं शेयर करूँ। और फिर ईद पर भी, क्योंकि बस ये था कि दिल में एक उदासी सी थी, फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा था ना, उसकी वजह से ईद में बिल्कुल कोई मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं दिल चाह रहा था करने का, और ना मैं कोई दिल चाह रहा था कि मैं कोई व्लॉगिंग करूं या फिर कुछ भी इस तरह का ना आपके साथ शेयर करूं खुशियों वाला। क्योंकि हम यहाँ तो खुशी से ईदें मना रहे हैं, वहाँ पर वो लोग कितनी परेशानी की हालत में, कितनी मुसीबत में वो अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो बस मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया क्योंकि मूड ही नहीं बना। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो चांद रात के दिन के कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी, और इसके अलावा जो ईद का दूसरा दिन था उसे मैंने कुछ जो है वीडियो बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, पहले ईद के जो दूसरा दिन था तो उस दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कबाब, शामी कबाब। रमज़ान में जो भी मैंने कबाब बनाए थे ना वो बस ख़त्म हो गए थे, तो अभी मैंने और भी बना के रखने थे क्योंकि अब ईद का सीज़न चल रहा है ना, तो फिर मेहमान भी आते हैं, तो मैंने कहा कबाब बना के रख लूँगी तो फिर काफ़ी आराम हो जाएगा। तो अभी और आज दोपहर में भी ना हम लोग यही जो है इस्तेमाल कर लेंगे, खा लेंगे। तो अभी मैं बना रही थी शामी कबाब। अच्छा, शामी कबाब का जो मसाला है बिल्कुल जैसे बनाते हैं ना, मैंने आपके साथ अपना जो तरीका शेयर किया हुआ है, बस जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं वो उनको पता होगा मैं किस तरह से शामी कबाब बनाती हूँ, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने शामी कबाब बनाए हैं। और अब यहाँ पर बनाने लगी थी मैं दही बड़े बेसन के। अच्छा, ये वाले जो दही बड़े बनाते हैं ना ये बहुत मज़े के बनते हैं और फूल कर ना बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। तो अभी मैं इनमें डाल रही थी प्याज, आप चाहें तो ब्लेंडर में ना पीस लें। मैंने यहाँ पर जो है इसे प्याज को बहुत बारीक बारीक सा पीस लिया है मैंने, इसमें जो है सिलबट्टे में पीसा है। तो इसके अलावा इसमें शामिल की है मैंने आधा चाय के चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च और एक पिंच के बराबर खाने वाला सोडा इसमें डाला है, और बस फिर इसमें मैंने पानी शामिल करके ना इसे फेंट लिया है। इतना इसे फेंटना है कि इसमें देखें स्मूथ सा ना इसका एक बैटर बन जाए और इसमें जो है बबल आने लगे। बस इसके बाद फिर हम इसकी फुलकियाँ बनाएंगे। अच्छा, जो भी मैं इसकी दही बड़ों की फुलकियाँ बनाती हूँ ना वो मैं सीधे तवे पर बनाती हूँ या फिर फ्राई पैन हो तो वो सीधा हो, इसे कढ़ाई वगैरह में नहीं तलती। तो अभी मैं दोनों काम एक साथ करूँगी, एक तरफ में रखूँगी कबाब फ्राई होने के लिए, और कबाब भी मैं ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करती तो बस कबाब फ्राई करने के लिए रखूँगी, और दूसरी तरफ हम जो है दही बड़े भी फ्राई करेंगे, दही बड़े की पकौड़ियाँ भी फ्राई करेंगे। बस दही बड़े के जो पकोड़े थे वो फ्राई कर करके ना मैंने नीम गर्म पानी में डालती जा रही थी। इससे ये होगा कि ये मैंने 10 से 15 मिनट तक भिगाऊंगी ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएंगे और बड़े बड़े भी हो जाएंगे फूलकर। और यहाँ पर मैंने ले लिया है दही, दही में मैंने जो हरी वाली चटनी आपके साथ शेयर की थी ना वो डाल दिए। अच्छा, ये वाली चटनी ना मैंने आपके साथ शेयर की थी, इतनी मज़े की चटनी बनती है और इससे ना बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में फिर ये इस्तेमाल होती है। तो बस इसके बाद मैंने ये चटनी डाली थी और अच्छा सा हमारा जो है ना दही बन गया था दही बड़ों का, तो मैंने दही बड़े उसमें डाल दिए थे। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गवार, तो इसके लिए मैंने लहसुन लिया था, तो लहसुन 3-4 अगर लहसुन के टुकड़े थे और थोड़ा सा ज़ीरा लेकर बस इसका अच्छा सा मैंने तड़का लगा दिया। इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी ना, बहुत मज़े के दही बड़े बनते हैं इस तरह, और कबाब भी फ्राई हो गए थे। तो बस आज का ये हमारा डिनर था, और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी जो है चांद रात की वीडियो।
तो ये चांद रात का दिन है और मैं आ गई थी, बच्चों की कुछ चीज़ें रह गई थी, और आपको पता है एंड तक ना कुछ रह ही जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ सामान मार्केट से लिया था, तो काफ़ी रात हो गई थी, तो मैं थी और मेरी बड़ी वाली बेटी थी, तो फिर हमने कहा चलो यहाँ पर ना बैठ कर कुछ खा पी लेते हैं। तो बस हमने यहाँ पर हलीम जो है वो ऑर्डर किया था, और इसके अलावा बिरयानी थी, नान थी, लेकिन ये इतने मज़े का हलीम था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, मुझे लाना तो अपनी छोटी वाली बेटियों को भी था, लेकिन उनकी ना थोड़ी सी तबीयत वगैरह ख़राब थी, और फिर इतना रश था, रमज़ान में मुझसे कोई शॉपिंग इतनी ज़्यादा हुई नहीं, और हमने की भी नहीं थी इस मरतबा, बस जो थोड़ा बहुत उन्हीं का सामान था तो वो लेने कल के लिए आए थे। खैर, यहाँ आकर काफ़ी दिल खुश हो गया था। बस आज की जो वीडियो थी वो यही थी, इसे यहीं पर एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।